दोस्तों, एक हैकर ने मेरा चैनल को हैक करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि वो हैकर कैसे मेरे चैनल को हैक कर रहा था और क्यों वो हैक नहीं कर पाया मेरे चैनल को। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप अगर कुछ मिस्टेक कर देते हो तो फिर आपके चैनल डेफिनेटली हैक हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ जो मेरे साथ हुई और मैं वो गलती नहीं किया, आप बिल्कुल भी वो नहीं कीजिएगा। वही चीज़ मैं बताऊँगा और आपको साथ में दिखाऊँगा भी हैकर कैसे हैक कर रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बचा जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी बहुत ही ज़्यादा टारगेट कर रहा है हैकर यूट्यूब चैनल को हैक करने की। ठीक है, बहुत ही सारे चैनल के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि अभी हमारे सेपरेटिंग ज्ञान रॉकी भाई का भी चैनल हैक हो गई थी, आप लोगों को पता है, बट वो रिकवर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर अभी स्मॉल यूट्यूबर हो, स्मॉल का मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोटे हो बड़े हो, मैं ही बड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप बिगनर हो, अभी नया शुरुआत की हो यूट्यूब पर, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज जरूर होना चाहिए कि हैकर आपके चैनल को हैक कर रहे हैं और आपको उनसे कैसे बचना है। तो यहाँ पर आपको वो भी बताऊँगा और हैकर किस टाइप से मुझे मतलब जो है हैक कर रहे थे मेरे चैनल को, जो हैक नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, मैं क्या किया, वही चीज़ आपको करना है जो मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा भी हैकर क्या कर रहे थे मेरे चैनल पर, कैसे हैक, मुझे कैसे पता चला कि कैसे हैक हो रहा है मेरा चैनल। ठीक है, और ये वीडियो पूरा जरूर देखना है आपको, क्योंकि अगर आपके साथ भी बाद में ऐसा हो सकता है और बाद में फिर आप लोग बोलोगे भाई काश मैं उसका वीडियो, हर्ष का वीडियो देख लेता पहले, तो शायद ये आपको नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप जरूर से जरूर देख लो। अगर आप बिगिनर हो तो आपका चैनल अगर हैक हो जाती है तो फिर आपका मदद भी कोई नहीं करेगा, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। शायद मेरी भी कोई मदद नहीं करेगा, मेरा भी हैक हो जाता तो शायद कोई भी बड़े यूट्यूबर मुझे सपोर्ट नहीं करते। आप लोग जानते हो कि बड़े यूट्यूबर को ही बड़े यूट्यूबर सपोर्ट करते हैं, छोटे को कोई सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हैक होने से ही मैं बताऊंगा कि बचना कैसे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही डेली वीडियोज़ यूट्यूब से रिलेटेड देते रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैं अभी एक दो दिन पहले गेम खेल रहा था, मतलब कि आप लोग जानते हो कि मैं कभी कभी गेम भी खेलता हूँ, तो परसों मैं गेम खेल रहा था, परसों या तरसों, ऐसे तीन चार दिन, आई थिंक तीन चार दिन हो रहे हैं, तो गेम खेल रहा था। अचानक से गेम खेलने के बीच में मुझे ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया मोबाइल में, स्क्रीन पे ही फ्लश हुआ। ठीक है, मतलब स्क्रीन पे ही एक फ्लश मैसेज, आप लोग जानते हो, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, फ्लश मैसेज आई और फ्लश मैसेज में ऑप्शन था कि आपका अकाउंट रिकवर के लिए यस आपको टैप करना है। अगर आप अपना अकाउंट रिकवर करना चाहते हो, मतलब कि पासवर्ड चेंज करना चाहते हो फॉरगॉट, तो फिर आपको यस करना है। तो मैं समझ गया भाई मैं तो कभी रिकवर अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं तो गेम खेल रहा हूँ, या मेरा कोई रिकवर तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर कैसे मैं यस कर दूँ। तो मैं उसको फटाक से नो किया। अब यहाँ पर भी सोचने वाली बात यह है कि मैं एक बार नो किया, ठीक है, तुरंत फिर मुझे उसका नोटिफिकेशन आया और इस टाइप से मुझे 10-15 बार नोटिफिकेशन आया, जिसके दौरान मैं गेम खेल रहा था और गेम में मैं आउट भी हो गया, मतलब हार गया। ठीक है, तो अब मुझे डर लगने लगा कि भाई मेरे चैनल के साथ क्या होगा, और गलती से अगर यस पे टैप हो जाता, क्योंकि मैं पता है आपको गेम खेलने के समय अगर गलती से मिस्टेक से भी यस हो जाती तो फिर मेरा चैनल डेफिनेटली वो पासवर्ड चेंज कर लेता और हैक हो गई थी। ठीक है, मतलब हैक हो ही गई थी, बस गलती से, जैसे गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, गेम खेलते खेलते आप टैप कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, मोबाइल पे टैप कर रहे हो, बट जैसे स्क्रीन पे फ्लश मैसेज आएगी और अगर आप गलती से यस हो गई, गलती से भी, मिस्टेक बाय मिस्टेक, तो फिर आपका चैनल डेफिनेटली हैक हो जाता है। अभी मेरे साथ भी वही हुई, अगर मैं यस कर देता तो डेफिनेटली हैक हो जाता। तो इसको आपको मैं बता दूँ, इस टाइप से बहुत मैसेज आए और मैं आप लोगों को पोल में भी पूछा था कि मैं इस पर एक वीडियोस बनाऊँ क्या, तो आप लोगों ने बोला हाँ भाई बनाओ, इसलिए मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ। तो पहला चीज़ यही है कि आपको कभी भी स्क्रीन पे फ्लश मैसेज आए तो आपको यस नहीं करना है इस टाइप का। अगर रिकवर अकाउंट करने का मैसेज आए या फिर आपका पासवर्ड चेंज करने का मैसेज आए तो आपको कभी भी यस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बैक करना है और उसको तुरंत ही एक्शन लेना है कि वो आपका अकाउंट नहीं है, मतलब वो आप रिकवर नहीं कर रहे हो। और जहाँ से रिकवर होती है वहाँ पर उसका लोकेशन भी आती है, जैसे आप देख सकते हो पटना बिहार इंडिया से ये आ रही है लोकेशन, बट मैं पटना में नहीं रहता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल झारखंड में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो इस टाइप से आप लोग जानते हो कि ये कोई हैकर ही होगा या फिर कोई सोच रहा होगा भाई कैसे करके इसका चैनल हैक हो जाए, बट वो कर नहीं पाया, आपको पता है। अब यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट हो गई कि आपको यस नहीं करना है, लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ जिसके कारण आपको ये मैसेज ही कोई आपका रिकवर ही नहीं करेगा आपका अकाउंट। एक सबसे बड़ी चीज़, आप जब भी अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में मतलब जीमेल आईडी दे के रखते हो, मतलब बिजनेस ईमेल, आप लोग जानते हो बिजनेस ईमेल दिया जाता है, जैसे मेरा भी YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन अबाउट डिस्क्रिप्शन में होगा मेरा जीमेल आईडी, मतलब कोई स्पॉन्सर के लिए मैसेज करता है उस जीमेल पे, या फिर कोई बिजनेस जीमेल है, आप लोग समझ सकते हो,
तो उसके लिए वहाँ पर जो है आप डायरेक्ट अपना यूट्यूब चैनल का जीमेल मत दीजिएगा, कभी भी नहीं। ये चीज़ कभी अगर आप दिए भी हो अभी, तो अभी तुरंत जाके चेंज कीजिए और दूसरा जीमेल बना लीजिए। वही जीमेल बिजनेस के लिए रखिए, स्पेशल मैसेज करने के लिए, ठीक है। और यूट्यूब चैनल का जो जीमेल है आपका, जो यूट्यूब चैनल जिस जीमेल से आपका बना हुआ है, वो जीमेल कभी नेवर कभी भी आपको नहीं देना है यूट्यूब के अबाउट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में, बिजनेस ईमेल में कभी भी नहीं देना है, ठीक है। अगर आप दूसरा जीमेल देके रखते हो तो वो अगर रिकवर भी करेगा और यस भी हो जाती है, तो भाई बिजनेस ईमेल ही गई है, दूसरा जीमेल बना लूंगा, और बाद में तो वो बिजनेस ईमेल को आपको नो ही करना है, वैसे भी किसी भी चीज़ को नो ही करना है, ठीक है। ये हो गई, तो आपका YouTube चैनल तो कम से कम सेफ रहेगा, आपका बिजनेस ईमेल अगर वो रिकवर कर भी लेता है गलती से पैसे कुछ, तो YouTube चैनल आपका सेफ रहेगा। और दूसरा, आपका YouTube चैनल का जो जीमेल है उसको आप गूगल माई गूगल अकाउंट में जा करके वहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना है, ताकि अगर कोई हैक भी करता है तो आपको बाद में उनको दो बार पिन मांगा जाएगा, जो पिन सिर्फ आपको ही पता रहेगा, अदरवाइज वो हैक नहीं कर पाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको कोई भी स्पॉन्सर के लिए मैसेज करे और बोले कि पहले कोई लिंक ऐसा भेजे आपको और बोले कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट रजिस्टर करो, एप्लीकेशन दे, तो बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी पैसे के चक्कर में मत पड़ना। और वो आपको ये भी बोलेगा कि 10,000-15,000 मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, बस आपको यही करना है, बट आपको वो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लिंक चेक कर लेना है, कैसी लिंक है, पूरा रिसर्च करना है कहाँ का लिंक है, तभी आपको उसका मैसेज पर ध्यान देना। वैसे आपको उसके बाद से ही समझ में आ जाएगी कि भाई मुझे 10,000 दे रहा है, मैं इतना छोटा यूट्यूबर हूँ और मुझे 10,000 दे रहा है स्पॉन्सर के लिए, तो आप पहले डेफिनेटली कोई भी समझ जाएगा, आप लोग समझदार हो कि भाई वो हैकर है, क्योंकि 10,000 इतने छोटे यूट्यूबर को जल्दी कोई नहीं देता है। मैं अपना खुद बताऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मेरे रिव्यू के लिए मुझे कितना मिलता है, मैं कितना लेता हूं, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा। इसी के साथ यहां पर वीडियो को एंड करता हूं, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो अगर पसंद आ गई तो एक लाइक के बिना कहीं मत जाइएगा, साथ ही चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।